हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रश्मि सचान और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरे सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें आप वीडियोस को सभी के साथ में, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आगे जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। शाही टुकड़ा बनाना शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले तो हम रबड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे कि हमारी रबड़ी ठंडी हो जाए। उसके लिए हम किसी पैन या कढ़ाई में आधा लीटर के लगभग दूध लूँगी। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 600 ml के लगभग फुल क्रीम मिल्क, और इसमें कुछ केसर के धागे डाल दे रही हूँ। आपके पास केसर नहीं है तो ना रहने दीजिए, मत डालिए। और मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, जिससे कि एक अच्छा सा कलर आएगा। और अब इसे हम हाई फ्लेम पर बॉयल करते हुए बराबर चलते हुए रबड़ी बनाएंगे, यानी कि एकदम गाढ़ा गाढ़ा थिक रबड़ी जैसा रहता है वैसा इसको हम बनाएंगे। दूध बॉयल पर आ गया है, काफ़ी हद तक ये उबल गया है और धीरे धीरे ये रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। और केसर भी जो है हमारा, वो भी कलर धीरे धीरे रिलीज कर रहा है अपना। इसे बराबर चलाते रहें, अदरवाइज ये साइड में लगकर जलने लगेगा आपकी कढ़ाई में। नॉनस्टिक पैन या कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी आपको। और इसे बराबर चलाते हुए हम पकाएंगे, और अब आप देख रहे हैं कुछ देर बाद ये लगभग इस तरह से गाढ़ी हो गई है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे इसमें लम्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि गांठें सी दिख रही हैं। तो हमें एक स्मूथ रबड़ी चाहिए जो कि हमारे शाही टुकड़ा में स्प्रेड हो सके अच्छे से। तो मैं इसमें सोडा का इस्तेमाल करूँगी, एक पिंच सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा जो रेगुलर यूज़ होता है। इसको डालने के बाद में आप देखेंगे कि ये फूल रहा है, इससे ये रहेगा हमारी जितनी भी गुठलियाँ थी वो एक जैसी हो जाएंगी और हमारी रबड़ी थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी। और देख रहे हैं आप, सोडा डालने के बाद कुछ देर तक गैस को आप मीडियम या स्लो ही रखें, और थोड़ी देर बाद जैसे ही धीमा करेंगे आप गैस को, इस तरह से हो जाएगी आपकी रबड़ी। और अब ये बिल्कुल तैयार है रबड़ी, बिल्कुल पतली रबड़ी बनाकर हमें तैयार नहीं करनी है। इसे निकाल लीजिए अलग बर्तन में। अब हम रबड़ी के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक दूसरा पैन या कढ़ाई या भगोना या कुछ भी ले सकते हैं आप, सॉस पैन वगैरह, उसमें हम जितनी चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे। नाप कर लेना है बिल्कुल, अगर आप 200 ग्राम चीनी ले रहे हैं तो 200 ml पानी लीजिए। और इसे मीडियम फ्लेम पर हम मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे और चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी यानी एक तार की नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा पतली जो रसगुल्ले वाली होती है वैसी भी नहीं चाहिए, मीडियम वाली चाहिए। इसमें मैंने फ्लेवर देने के लिए छोटी इलायची डाल दिया है कूट कर, बाद में इलायची के छिलकों को निकाल दूँगी। और जो चाशनी बना रही हूँ मैं, तो अगर आप जितना नाप कर लेंगे, जिस तरह मैंने कटोरी से नाप कर लिया हुआ था, कप या कटोरी आप मेजरिंग कप से भी नाप सकते हैं, जितना चीनी उतना पानी लें। और चीनी के पिघलने के बाद जैसे ही पहला बॉयल आएगा, उसके बाद आपको सिर्फ 2 मिनट तक हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम में पकाना है। और आप देखेंगे तो आपको थोड़ा चिपचिपा महसूस होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा, लेकिन एक तार की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चाशनी ठंडी होगी ये गाढ़ी होगी। तो बस इसको आपको बहुत पतला नहीं रखना है, तो पानी का आप खास ख्याल रखिएगा, बराबर बराबर क्वांटिटी में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसे एक तरफ रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब आइए हम ब्रेड वाला काम देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ कुछ ब्रेड हैं, ब्रेड की हम साइड्स निकाल देंगे। आप चाहें तो निकालें, ना चाहें तो ना निकालें, थोड़ा अच्छा दिखे इस वजह से मैंने ब्रेड की साइड्स निकाल दी हैं। चारों साइड्स इसकी निकाल देंगे, और मैं बीच से कट कर ले रही हूँ पहले ही। आप चाहें तो इनको पहले ऐसे ही फ्राई कर लें और बाद में भी कट कर सकते हैं, लेकिन इतनी क्रंची हो जाती हैं ये बाद में कि इनके कट करने पर टूटने का डर होता है, इसलिए मैंने इनको पहले ही काट लिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसी आपकी मर्ज़ी वैसा आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने ब्रेड ये काट कर रख लिए हैं। वापस से पैन लेंगे एक, ये काम पैन में ही करेंगे या फिर आप कढ़ाई में करिए। तो डीप फ्राई अगर आप करने वाले हैं, मैं यहाँ डीप फ्राई नहीं करूँगी, घी डाल दे रही हूँ मैं 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच मैंने डाला हुआ है घी यहाँ पर भर के। घी जैसे ही हल्का गर्म होगा हम इनको रख देंगे। आप अगर डीप फ्राई करेंगे घी में तो ये और भी अच्छी और भी ज़्यादा कुरकुरी होंगी, बस घी ज़्यादा लगेगा, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ इस टाइम, इस वजह से मैंने इसको शैलो फ्राइड करने के लिए बहुत थोड़ा सा ही घी डाला हुआ है, और जितना भी घी है वो तो आई थिंक ऑब्जॉर्व हो चुका है। तो इनको मैं थोड़ा सा पलट देती हूँ, और दूसरी साइड पर मैं वापस से ऊपर से घी अप्लाई करूँगी। आप इन्हें बटर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन घी के साथ बहुत ही अच्छा देसी घी रहेगा, तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इन्हें धीमी आंच में हमें टोस्ट करना है, ब्रेड सॉफ्ट नहीं रहनी चाहिए, एकदम कड़क हो जानी चाहिए। तो ये काम आपका धीमी आंच में, और जब घी अच्छे से लगाएंगे तभी होगा। तेल बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा यहाँ पर,
तो देख रहे हैं ये ड्राई है एक साइड से तो अच्छी है। तो फ्लेम, एक बार पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें धीमी धीमी आंच पर बस देखते रहिए कि बनना होने लगे। और दूसरी साइड से भी मैं अच्छे से घी अप्लाई कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मेन काम ब्रेड का ही है, तो आप ब्रेड को बहुत अच्छे से हैंडल करें, अच्छे से घी लगाएं और धीमी धीमी आंच पर इसे एकदम करारा, बिल्कुल टोस्ट जैसा इसको टोस्ट होने दें। वो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ये सब हो जाएगा। एक बार में जितने ब्रेड के टुकड़े आ सकें आप उतने डाल दीजिए। मैं दूसरी साइड से भी घी अप्लाई कर दे रही हूँ सब में। ये देखिए दोनों साइड से कर दिया था मैंने, कुछ देर बाद ये एकदम क्रंची हो गए हैं, इनमें सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं अब बची है। ये देखिए ये सभी रेडी होने वाले हैं लगभग, और इन्हें हम एक साइड रखेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। जो हमारी रबड़ी है, चाशनी है, ब्रेड के टुकड़े हैं, उन्हें बिल्कुल गर्मा गर्म ही नहीं इस्तेमाल करना है, थोड़ा ठंडा होने के बाद, क्योंकि गर्मा गर्म ब्रेड में अगर आप चाशनी या रबड़ी डाल देंगे तो वो मुलायम हो जाएगी। तो ब्रेड को मैंने एक साइड निकाल लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर चाशनी, मैंने इसको असेंबल करते हैं हम अपने शाही टुकड़ा या डबल का मीठा, इसको चाशनी ली हुई है। चाशनी में ये कुछ ब्रेड के टुकड़े हैं, इन्हें हम एक एक करके इस तरह से डालेंगे और डिप करके निकाल लेंगे। चाशनी में पड़े नहीं देना है, लेकिन आप जानते ही हैं कि ब्रेड एकदम लंपी हो जाएगी और हलवा बन जाएगी, इसलिए ठंडी हो गई है चाशनी और ब्रेड भी ठंडी हो गई है, तो डिप करके इस तरह से निकाल लेंगे। इन केस अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप रबड़ी में भी चीनी डाल सकते हैं और डायरेक्ट आप रबड़ी को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास इस तरह से सभी को मैंने निकाल कर रख लिया है चाशनी से, तो रबड़ी है किसी चम्मच, चाकू या बटर नाइफ की मदद से इसे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। आप जितना रबड़ी लगाना चाहें, जितना इसको शाही बनाना चाहें, उतनी ज़्यादा रबड़ी लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा रबड़ी लगाएंगे खाने में जाहिर सी बात है उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी रेसिपी है, आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। सभी में मैंने कर दिया है अप्लाई, और अब मैं एक सर्विंग प्लेट लेती हूँ, मैं इसमें इसको रख कर सजा दूँगी जिससे कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इस तरह से टुकड़े मैं निकाल दूँगी और हम इन्हें गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट से। तो वैसे तो शाही टुकड़ा में हमारा पिस्ता और बादाम वगैरह ही जाएगा, तो अगर आपके पास नहीं है गार्निश करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना करें, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। शाही टुकड़ा बनकर रेडी है और मैं बस थोड़ा पिस्ता और थोड़ा सा बादाम इसमें डालूंगी ऊपर सजाने के लिए। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए या ऐसे ही खाइए। और आई होप आपको ये वीडियो आसान लगा होगा, सरल लगा होगा, तो अपने कमेंट में लिखकर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और इसे ट्राई ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।